आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर जेल में बंद कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान से प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज मिलने पहुंचे। मतदान के दिन चांदपुर में हुए बवाल को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान पर हुई कार्रवाई के तहत जेल में बंद है उसी को लेकर कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने शेरबाज पठान से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि सरकार ने शेरबाज पठान को षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया है। मतदान से पहले इंक लगाकर वोटरों को मतदान के लिए रोका जा रहा था। प्रशासन की शह पर ये सब किया गया, मारपीट का केस लगाया गया। इतना ही नहीं, केस में पूरे परिवार को आरोपी बनाया गया जो मौके पर भी नहीं थे, जो कि पूरी तरह असंवैधानिक है। आपको बता दें कि कांग्रेस के बिजनौर जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान को लखनऊ से गिरफ्तार कर शुक्रवार को बिजनौर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शेरबाज पठान को जेल भेज दिया। चांदपुर पालिका से भाजपा उम्मीदवार के साथ मारपीट करने के मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष, कांग्रेस से उम्मीदवार, उनकी पत्नी समेत 12 को नामजद करते हुए मामला दर्ज हुआ था। बिजनौर से आकिफ अंसारी, बिजनौर। वो हमारे जिलाध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ वो एक नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित चेयरमैन के पति भी हैं। हमारे कांग्रेस परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आज मैं और हमारे PCC के सचिव प्रभारी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट जनाब लव कश्यप जी और शहर अध्यक्ष हमारी बहन हैं मीनू गोयल, हम लोग मिलकर के आए हैं और वही जानना चाह रहे थे कि भाई कैसे क्या हुआ, मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो वही सारी बातें मालूम हुई कि एक इलीगल ढंग से सरकार ने इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किया। आप सबको मालूम है कि किस तरीके से स्याही लगाई जा रही थी। एक दिन रात को वोटरों को रोका जा रहा था, यानी एक संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का प्रयास सरकार के साये में, प्रशासन के साये में भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है प्रदेश में वो कर रही थी। और वो एतराज़ लगाया तो फिर पूरे परिवार के साथ ऐसे केस, परिवार के वो लोग जो वहाँ मौजूद ही नहीं थे, शेरबाज पठान के भाई नहीं थे वहाँ पर, शेरबाज पठान की वाइफ नहीं थी वहाँ पर, जो भाई नहीं थे वो और वाइफ नहीं थे उनको भी मुल्जिम बना दिया। सरकार हमने भी चलाई है और एक बार नहीं चलाई है, लेकिन सरकार चलाने का ये तरीका नहीं होता है जो इन्होंने अपनाया है। ये गैर कानूनी ढंग है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई पार्टी हो या किसी की सरकार में हो या विपक्ष में हो। तो अब देखते हैं कि इसमें लीगल वे में क्या क्या कर सकते हैं। तो कोई तैयारी कर रहे हैं कोई लीगल वे में या कोई जन आंदोलन वगैरह करने की? निकला हूँ बाहर, अच्छा। अभी मीटिंग है, अभी आपस में सलाह करता हूँ, फिर अपने नेतृत्व को अवगत कराता हूँ, जो वहाँ से निर्देश मिलेगा वो करेंगे। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।